आप सब लोग देख रहे हैं आरके फाउंडेशन का चैनल, और इस चैनल को अगर आप सब लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले सिंबल पे जाके इसको आप लोग बेल पे भी इंडिकेट कर दें, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हम लोगों ने नया वीडियो अपलोड किया है और उस वीडियो को आप तुरंत देख पाएंगे। और ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो रही है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है और तुरंत आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और वीडियो देखिएगा। तो इसमें हम बात करते हैं, आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर जो हमारा है साइंस का है क्लास 10 के लिए, और इस चैप्टर में हम बात करेंगे विद्युत धारा कि विद्युत धारा है क्या। एक्चुअली में विद्युत धारा कई बार हम सुनते हैं ना, यूज भी करते हैं, हर एक चीज आज विद्युत से चल रही है। तो ये विद्युत धारा आई कहां से, ये काम कैसे करती है, बहुत सारे हमारे दिमाग में क्वेश्चन उठ रहे होते हैं जब स्टूडेंट होते हैं तब। ऑब्वियसली बात है मेरे भी दिमाग में आए होंगे, धीरे धीरे मुझे भी समझ में आई ये चीज। तो इसी चीज का हम आंसर यहाँ पे आज फाइंड आउट करेंगे, विद्युत धारा होती क्या है, किस प्रकार से कार्य करती है, और ऐसा क्या चीज है इसके अंदर जो हमें फ्लो होते टाइम नजर भी नहीं आती। किसी भी वायर को उठा के देखिए, मतलब किसी भी जो स्ट्रीट के जो लाइट के जो वायर जा रहे हैं उन वायर में देखिए, कभी आपको चलती हुई नजर नहीं आएगी। अगर पानी चल रहा है तो पानी चलता हुआ नजर आता है, बहता हुआ नजर आता है, तो हम बोलते हैं कि जल धारा है या पानी का फ्लो हो रहा है, ऐसे कई चीज वर्ड यूज कर लेते हैं। हवा चलती है तो हवा, पवन पवन चल रही है, हवा चल रही है, ठीक है, तो इन सब चीजों की बात हम कर सकते हैं। बट यहाँ पे तो हमें नजर भी नहीं आती, ऐसा क्या चीज मूव हो रहा है, और उसी चीज को हम यहाँ पे इस चैप्टर में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि जिस प्रकार से पानी प्रभाव होता है एक जगह से दूसरी जगह, और पानी कहाँ पे प्रभाव होता है, उच्च हाई हाइट से जो अपर लेयर है उससे लोअर लेयर की ओर फ्लो होता है। ऐसे हवा भी यही है कि जहां पे हवा का दबाव ज्यादा होगा वहां से हवा कम दबाव की ओर फ्लो होगी, ऐसे ही विद्युत धारा भी है कि विद्युत धारा भी जहां पे इसके आवेश का घनत्व बहुत ज्यादा होगा वहां से कम घनत्व की ओर प्रभावित होगी, फ्लो होगी। तो यही चीज विद्युत धारा है। बट अब ये वर्ड आया है इसमें आवेश, आवेश क्या है, तो हम लोगों ने सबने सुना होगा चार्ज, ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल्स के बारे में सुना होगा, ये धनायन है ऋणायन है उत्तरी ध्रुव है दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। तो इसी तरीके से आवेश होते हैं जो हमारे पास में धन आवेश और ऋण आवेश होते हैं। अब ऋण आवेश की बात करें तो ऋण आवेश कहां पे होता है, इसके लिए मैं आप लोगों को एक बेस्ट एग्जाम्पल के रूप में बताना चाहूंगा। आप लोगों ने क्लास 10 में एक एटम नाम की चीज पढ़ी होगी, ठीक है, परमाणु के बारे में। परमाणु में आपने पढ़ा होगा कि बीच में तो एक गोला होता है जिसके बीच में नाभिक होता है, न्यूक्लियस बोल सकते हैं हम इसको, और इसके साइडों में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये नेगेटिव चार्ज ही क्या है, ऋण आवेश है जो इनके ऊपर चार्ज विद्यमान है, और इसके जो नाभिक है इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन के ऊपर प्लस होता है पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब देखो यहां पे ये न्यूक्लियस में एक जगह स्टोर ही है पॉजिटिव चार्ज, मूव नहीं कर रहा है चारों तरफ, चारों तरफ कौन मूव कर रहा है, नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है। तो आवेश जहां पे प्रभावित होगा वहां पे विद्युत धारा भी प्रभावित हो सकती है, परंतु इसका मेथड थोड़ा सा हटके होगा, क्योंकि विद्युत धारा कहां पे प्रभावित होगी, जहां पे बहुत सारे आवेश इकट्ठे होंगे वहां से कम आवेश की ओर जाएंगे, और वो चीज क्या कराएगी, विद्युत। एक्चुअली में जैसे अगर एक बात करें एग्जांपल के लिए कि कोई एक वायर हो, अब हम वायर क्यों यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन हमारे याद है, हम वायर क्यों यूज कर रहे हैं, इसके लिए हम ये कह सकते हैं क्योंकि वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करने के लिए, जो मेटल का बना हुआ है इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए उसके अंदर आसान रास्ता है। हवा में इलेक्ट्रॉन मूव करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वॉटर के अंदर जो शुद्ध जल है सिर्फ H2O आसू जल जिसको हम बोलते हैं डिस्टिल वाटर, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर चार्ज विद्यमान नहीं होता, चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। अगर उसमें चार्ज प्रेजेंट होगा तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। जैसे कई बार सुना होगा कि नदी के पानी में या समुद्र के पानी में करंट मछलियां मर गई, या फिर हमारे घरों में भी कूलर में करंट आ जाता है, ये सारी चीजें क्या है, चार्ज। कब चार्ज फ्लो हुआ, जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कनेक्ट थे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट थे, तो
तो उसमें आसानी से क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, इस वायर के अपर सरफेस के ऊपर, जो अपर सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ये हमारे पास में, इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम यहां पे बहुत बड़े अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे कर लें और इधर से इस वायर से डालें इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से कम और जहां पे कम इलेक्ट्रॉन्स है उस साइड में जाएंगे, जहां पे कम चार्ज है वहां जाएंगे। अब ये यहां से वहां चले तो गए, वहां से भी कुछ वापस आता है, जो वापस आ रहा है वो ही चीज क्या है, विद्युत धारा। मतलब हम सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं कि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उस दिशा के विपरीत दिशा में विद्युत धारा होती है, जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उसके विपरीत दिशा में क्या होगी, विद्युत धारा। ये चीज ही हमारी क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। कोई भी आसानी से शब्दों में पूछे कि भाई विद्युत धारा क्या है, तो सिंपल से बता दो कि जहां पे चार्ज फ्लो हो रहा है वहां पे विद्युत धारा प्रेजेंट है, आवेशों के प्रभाव की दर विद्युत धारा कहलाती है। क्यों? क्योंकि ये टाइम पीरियड के साथ में, दर का मतलब आ गया कि एक टाइम पीरियड के साथ में फ्लो हो रही है, अगर टाइम पीरियड नहीं होगा तो आवेश नहीं फ्लो होंगे, क्योंकि जीरो टाइम पीरियड में कभी भी कोई चीज वर्क नहीं करती है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। जैसे गति हो, अब टाइम पीरियड जीरो हो तो क्या मैं इस पॉइंट से मूव कर रहा हूं, किसी भी पॉइंट से हम कभी भी मूव नहीं कर रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ जैसे ही टाइम चेंज होगा शायद हम मूव कर जाए, शायद हम मूव कर जाए, मतलब हमारी पोजीशन चेंज हो जाएगी। वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स की दरी क्या कहलाती है, आवेश की दरी, जो आवेश प्रभावित हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, उन वही चल क्या कहलाएगी, विद्युत धारा। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी विद्युत धारा की सिंपल सी बात। अब विद्युत धारा को अगर साइंस की भाषा में और समझना चाहें इसके लिए हमें इनके एक एक चीज के फैक्टर्स के बारे में पता करना होगा, कि पॉइंट्स के बारे में पता करना होगा क्या क्या चीजें फ्लो होती हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है और कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक विद्युत धारा को बनाते होंगे, क्या एक इलेक्ट्रॉन से विद्युत धारा बन जाती होगी, सोचो, नहीं, कभी भी नहीं बनती एक इलेक्ट्रॉन से विद्युत धारा, इसके लिए हमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। पर कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट, कितनी इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी हमें, इस चीज के तो आंसर हमें मैथ के कैलकुलेशन के बेस पे ही ला सकते हैं। तो इस चीज में हम वन बाय वन आगे स्टेप से समझते हैं। तो हमने पढ़ा है आई, अभी जो पढ़ा है आवेश की दर, आवेश क्यों, इसको आवेश बोलते हैं, अपॉन द टाइम, समय। अब क्यों की बात करूं मैं, कि क्यों क्या होगा, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ये हमें पता नहीं होगा। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब, ये आवेश की यूनिट है, कौन से आवेश की, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रेजेंट जो चार्ज है उसकी यूनिट कूलम्ब, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रेजेंट होता है। और ये n टाइम इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाए और ये n टाइम इलेक्ट्रॉन बनके एक हमारे पास में आवेश बनाएंगे, और ये जो आवेश बनाया है ये समय के साथ में अगर जुड़ जाए, मतलब दर के साथ प्रभावित होने लग जाए किसी वायर के अंदर, तो हमारे पास में बनती है विद्युत धारा। ये जो विद्युत धारा है इसका मात्रक होता है एम्पियर। अब इस एम्पियर की ये बात कही जाए कि जो हमारे पास में आवेश है वो किसी वायर में एक बिंदु से एक सेकंड में जितना प्रभावित हो जाएगा, मतलब फ्लो हो जाएगा, वो हमारे पास में एक एम्पियर करंट का निर्माण करेगा, एक एम्पियर विद्युत धारा का निर्माण करेगा। तो देखो दोबारा से समझ सकते हैं चीज को हम इस प्रकार से, कि किसी ये मान लीजिए एक वायर है, इस वायर का मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, एक ब्लैक कलर का जो मार्कर का दिख रहा है ये पॉइंट ले लेता हूं, इस पॉइंट से आवेश
जो फ्लो हो रहा है वो एक सेकंड तक जो आवेश फ्लो होगा वो फ्लो चार्ज हमारे पास में एक एम्पियर करंट का निर्माण करेगा। इस प्रकार से विद्युत धारा का मात्रक कंप्लीट हुआ। अब इसको मापने के लिए हमें एक यंत्र की जरूरत पड़ती है जिसे हम बोलते हैं एमीटर, और वो विद्युत धारा को मापता है, और उस यंत्र को किसी भी तार के बीच में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये मान चलो इस वायर के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इस इसके इधर से पॉजिटिव करंट जा रहा है, इधर से नेगेटिव करंट, ठीक है, तो इसके हम यहां पे बीच में जोड़ देंगे, मतलब श्रेणी क्रम में विद्युत धारा के यंत्र को जोड़ देंगे, जिससे क्या होगा विद्युत धारा मेजर हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी कितनी विद्युत धारा प्रभावित हो रही है इस वायर के अंदर प्रवाहित हो रही है। अब जो विद्युत धारा प्रवाहित हुई है इसको हम अलग अलग तरीके से माप सकते हैं, जैसे सिंपली हम इसको एम्पियर से मापते हैं जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। अगर स्मॉल यूनिट में बात की जाए तो इससे छोटी स्मॉल यूनिट होगी मिली एम्पियर, और छोटी स्मॉल यूनिट की बात की जाए तो होगी माइक्रो एम्पियर। इस प्रकार से हम विद्युत धारा को माप सकते हैं एम्पियर की फॉर्म में। ये हो गई हमारे पास में विद्युत धारा की बात, ठीक है। तो इस प्रकार से इस टॉपिक इस चैप्टर की हमने स्टार्टिंग की है। अब इस चैप्टर को नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो वन बाय वन विद्युत विभव क्या होता है, ओम का नियम क्या है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर, तो उन सब चीजों की नेक्स्ट सेशन के अंदर हम कंटिन्यू बात करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।